पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई बढ़ी, आम जनता को परेशानी हुई, किसानों के सामने काला कानून लेकर आए, अब एक बार फिर दावा कर रहे हैं कि 2022 में हम सरकार बनाएंगे। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश की जनता सब कुछ समझ चुकी है। ये कहना है उत्तर प्रदेश विधानसभा में मेंबर रहे यूसुफ अंसारी का, जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता भी हैं। पूर्व विधायक हाजी यूसुफ अंसारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक सिर्फ और सिर्फ झूठ और फरेब की राजनीति की है, और यही वजह है कि प्रदेश की जनता इस बार 2022 के इलेक्शन में जवाब देने को तैयार है। पब्लिक टीवी से बात करते हुए पूर्व विधायक हाजी यूसुफ अंसारी ने क्या कहा है, आइए जानिए। बेतहाशा महंगाई है, लोग परेशान हैं, गरीब मजदूर को दो वक्त की रोटी का इंतजाम करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जो मिडिल क्लास है अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, अच्छे से उनका कारोबार नहीं चल रहा है। मध्यम वर्ग के जो दुकानदार हैं वो बर्बाद हो चुके हैं, और ये सरकार झूठ पे झूठ बोल रही है कि इनके मंत्री कहते हैं कि महंगाई नहीं है और हमने रोज़गार बहुत दिया है। अगर ज़मीनी स्तर पर आप जरा जाके देखेंगे, हर एक आदमी परेशान है। और जहाँ तक सवाल उत्तर प्रदेश सरकार का है, ये सरकार अपने आप में फेल हो चुकी है। बाबा को एक मिनट भी कुर्सी पर रहने का हक नहीं है, क्योंकि सारा अधिकार अपना वो कोरोना की दो दूसरी बेवाई थी उसमें खो चुके हैं। हमारे जो लोग इस दुनिया से रुखसत हुए उनका अंतिम संस्कार तक ढंग से मौसर नहीं हो पाया है। उन्हें गंगा जी में बहाया गया, गंगा जी के किनारे रेत में दफनाया गया, और यहाँ तक का जुल्म हुआ उनके साथ कि उनके जो कफन थे, रामनामी चादर जो होती थी उसको भी खींच लिया गया, और बॉडियों को जो लाशें थी उनको भी, इतनी बेहुरमती हुई उनकी कि जानवर उनको नोच रहे थे। तो ये एक हिंदुत्व की बात कहने वाले एक बाबा जी को ये देखकर थोड़ा लिहाज आना चाहिए, थोड़ी शर्म होनी चाहिए। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, इस सरकार को नैतिकता के आधार पर बाबा जी को अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही नहीं, आप दिल्ली के चारों तरफ किसानों को देख रहे हैं, किसान परेशान हैं। वादा किया गया था कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी कर दी जाएगी, उसका भी अभी तक दोगुनी तो दोगुनी उनके जो किसानी के प्रयोग में आने वाले खाद बीज, कीटनाशक दवाएं, सिंचाई के लिए डीजल, ये इनकी कीमतें आसमान छू रही हैं, लागत इतनी आ चुकी है। MSP अगर 1975 रुपये है तो मार्केट में 1500 रुपये क्विंटल गेहूँ बिक रहा है, और वो भी किसान इस कगार पे आन के खड़ा हो गया है कि वो भी अपने बच्चों का पालन पोषण करने में परेशान हैं और ढंडोरा पीटते हैं कि हम 2000 रुपये किसान को देते हैं। आप जरा उसका एवरेज निकाल के देखिए, कै रुपये रोज हो गए, क्या वो बिजली का बिल जमा करेगा, क्या अपने बच्चों की फीस जमा करेगा, क्या खाएगा, क्या कहाँ कहाँ वो 2000 रुपये इस्तेमाल करेगा एक साल में, हिसाब लगाइए कितना पैसा हो गया। तो ये चीज सरासर सरकार का बेवकूफ़ बना रही है, 500 रुपये महीने में क्या कर लेगा किसान। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि मोदी से बहुत उम्मीदें लगाई थी, अच्छे नारे दिए थे कि अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, सब 0/0 नील है। आने वाले 2022 के चुनाव में जनता अपना हिसाब चुकाएगी, क्योंकि जनता बहुत आक्रोश में है, गुस्से में है, क्योंकि अपनी बात कहते वक्त कोई भी, चाहे टीचर हो, नौजवान हो,
या शिक्षक हो या कोई भी अपना हक के लिए आवाज बुलंद करता है तो उन पे झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं, उन पे लठियाया जाता है उनसे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।